अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल प्रोफेशनल कीज। हम आज कस्टम डाटा वैलिडेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं और साथ हमने इन सात फंक्शंस को कवर करना है। ये एक्सेल के बड़े ही टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस हैं और बड़े ही यूज़फुल रहते हैं। अच्छा, डाटा वैलिडेशन और कस्टम डाटा वैलिडेशन में क्या फ़र्क है? कस्टम डाटा वैलिडेशन जो होती है वो सिस्टम जो आपने एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स दिए गए हैं उनसे हटके होती है। ये आपके अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बिना पे आपने अपने राइटिंग टेक्स्ट को लिमिट में रखना है, ठीक है? यानी कि इन डाटा एंट्री को आपने लिमिट में रखना है, तो वो होती है कस्टम डाटा वैलिडेशन। सो अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये देखें, यहाँ पे इस कॉलम में हमने अपनी डाटा वैलिडेशन अप्लाई करनी है और बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ही अपने डिफाइन की होनी चाहिए। मैं सपोज़ करता हूँ कि पहला लेटर जो हो वो हमारा ABC नॉन न्यूमेरिक हो और बाकी जो चार हैं वो न्यूमेरिक हो। अब कोई भी हो सकता है, आप पाँच छः, पहले दो जो हैं आप नॉन न्यूमेरिक ले सकते हो, आगे 8-10 ले लेते हैं आप न्यूमेरिक। सो वो आपकी जो है कोडिंग के मुताबिक है, आपने कोडिंग कितने नंबर्स में करनी है वो आपने डिफाइन करनी है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए जो फार्मूला बनाएंगे हम वो यहाँ पे बनेगा कस्टम डाटा वैल्यूएशन। और फार्मूले में जो हमने रूल डिफाइन किए हैं, सपोज देखें, पहला रूल ये है कि पहला वो नॉन न्यूमेरिक होना चाहिए, ये पहला जो करेक्टर है वो नॉन न्यूमेरिक हो। नेक्स्ट जो हैं लास्ट फोर वो आपके हों न्यूमेरिक। देन और टेक्स्ट की इस यहाँ पे जो कोड हो उसकी जो लेंथ हो वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, सो ऑन, जो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है? तो मैंने तो इन तीन कंडीशंस के अंदर रह के आपको थोड़ा सा लेक्चर देना है, ठीक है, समझाना है। यहाँ पे मैं रखता हूँ सपोज पी 1, 2, 3, 4, ठीक है? ये कोड है, किसी भी चीज़ का कोड हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकती है या कंपनी कोड हो सकता है, सीक्रेट कोड हो सकते हैं, कोई भी कोड हो सकता है। ये आपने इस लिमिट से बाहर नहीं जाना। पहला आपका नॉन न्यूमेरिक हो, देन 4, 5, 6 जितने भी आप रखना चाहें वो न्यूमेरिक हो। मैंने ये रखा है लास्ट फोर जो हैं, जो फर्स्ट के बाद अगले जो हैं वो आपके नॉन न्यूमेरिक हों, पहला हो वो नॉन न्यूमेरिक। अब इसकी लेंथ जो हो टोटल, उसके लिए लेंथ मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं। चूज़ करें इनमें से कौन सा लगेगा, इनमें से ये लगेगा फंक्शन, लेंथ का फंक्शन लगेगा, LEN लेंथ। ये सिंपली करके लेंथ को एक्सेल ने LEN बना दिया है, ठीक है? सो इस सेल में जितने भी नंबर्स होंगे उसकी तादाद को मालूम करने के लिए लेंथ का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इक्वल्स टू दिस, इंटर दबाएंगे, 5 है। अगर सपोज यहाँ पे 6, 7, 8 भी होता, 8 हो जाते, ठीक है? तो इस तरह उसकी नंबर की तादाद को मालूम करने के लिए लेन का फार्मूला यूज़ होता है। अब हमने अपने रूल में ही रहना है फिलहाल, क्योंकि जो हमने डिफाइन किया है। अब अगर तो लेन हो, 5 यहाँ पे हो, देन इक्वल्स टू 5 हो, देन हमारे पास आंसर ट्रू हो। ये एक हमने कंडीशन बना ली है, ये एक हमने कंडीशन डिफाइन कर दी है, उसका रिजल्ट हमें ट्रू मिला है। सपोज यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ एक करेक्टर और ऐड कर देता हूँ तो फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है? सो यहाँ पे उसने हमने जितनी लिमिट उसको दी उतनी ही रख के वो हमें ट्रू आंसर दे रहा है। सो पहली कंडीशन तो हमारी डिफाइन होगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी के लास्ट 4 करेक्टर्स आर न्यूमेरिक। ये लास्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं हो सकता, लेकिन हमने लेंथ रखी 5 की है तो आखिरी 4 जो बचे वो लास्ट ही हुए, ठीक है? अब ये मालूम करने के लिए कि जो आखिरी 4 हैं वो न्यूमेरिक होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? तो इक्वल्स टू, इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला राइट का फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि ये सेल की राइट साइड पे हैं इसीलिए राइट का फार्मूला लगेगा। राइट साइड पे जितने भी नंबर्स को आप कैलकुलेट कर काउंट करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं।
इक्वल्स टू ये वाला टेक्स्ट हो गया, देन नंबर्स, आप कितने नंबर लेना चाहते हैं। हमारी कंडीशन के मुताबिक हम 4 नंबर लेना चाहते हैं। अगर तो यहाँ पे 20 करेक्टर्स हों, सपोज 20 करेक्टर्स हों, उनमें से आप लास्ट 4 लेना चाहें तो वो आपको उठा के दे देगा 4। सपोज मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर का बटन दबाता हूँ, तो आखिरी 4 नंबर जो है ना इसने हमें उठा के दे दिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ जी 5, 5, 7, 7 उठा के हमें दे दिया, आखिरी 4 उठा के दिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ जी आखिरी 8 हमें 8 उठा के दे दें। ठीक है, इंटर करूँगा, जो भी आखिरी 8 होंगे वो डिजिट्स हमें उठा के दे देगा। फाइन, तो इस तरह आप राइट के फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज़ करना है 4 करेक्टर्स के लिए, और यहाँ पे आखिरी 4 करेक्टर्स के लिए यूज करना है इसको। ठीक है, सो अगर अब ये हमारे पास आंसर आया 1, 2, 3, ये 4 डिजिट्स आप उसने उठा के दे दिए। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पे 4 ही हो, 5 भी कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 डिजिट, अब ये हमारे हमने कंडीशन में क्योंकि वो देने हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में देनी है, लेकिन ये एक्चुअली तौर पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, ये तो एक फार्मूला है सिर्फ। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हमने एक फार्मूला बनाया, एक्सेल में एक फार्मूला ढूंढा है, वो है इज नंबर, क्या ये नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इससे रिजल्ट लेते हैं, इज नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, वैल्यू ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर का बटन दबाएंगे तो ये फाल्स देगा हमें कि ये वाकई नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके साथ ये वाला जो है वो पी भी जुड़ा हुआ है, सही है, और ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में है, पूरे नंबर 1, 2, 3 में नहीं है, ये इसने हमें जवाब दिया है। तो इसको नंबर्स में लाने के लिए आपके लिए एक और फार्मूला है वैल्यू का, ये वैल्यू का फार्मूला है। ठीक है, इसको हमने नंबर में लाना है, ट्रू करना है, तो इस नंबर्स के बाद आपने इसी में वैल्यू का बटन, वैल्यू का फार्मूला लगा देना है। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और यही वाला जो है एरिया इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक, इंटर दबाएंगे, अब इसने बना दिया हमें ट्रू कि ये जो आपने सिलेक्शन किया है ना ये ट्रू है, ओके है, ये नंबर ही है। अब इसको जो जहाँ पे भी इस्तेमाल कर लें, किस मर्जी फार्मूले में इस्तेमाल कर लें, मैं आपको ये नंबर शो ही कराऊंगा। ठीक है, ओके फाइन, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है फर्स्ट करेक्टर इज नॉन न्यूमेरिक, ये हमने कंडीशन लगानी है कि हमारा जो पहला करेक्टर है ना वो होना चाहिए नॉन न्यूमेरिक, बाकी जितने मर्जी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये पहला करेक्टर नॉन न्यूमेरिक किस साइड पे है, सेल के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मालूम उसको निकालना है, पहले राइट साइड पे जो डिजिट्स थे उनको निकाला राइट फार्मूला से, अब लेफ्ट साइड पे जो डिजिट्स हैं उनको हमने लेफ्ट फार्मूला से निकालना है। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट फार्मूला लिखा हमने, अब देखें क्या है, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ये पूरे का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब नंबर्स लेने हैं आपने, यहाँ पे फर्स्ट नॉन न्यूमेरिक, मैं तो फर्स्ट लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपने 4, 5 लेने हैं तो आप उतने लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पे 1 लिखना चाहता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर का बटन दबाए, पी, उसने मुझे पी उठा के दे दिया। ठीक है, अब ये इसके ऊपर हमने कंडीशन भी अप्लाई करनी है, इज नंबर, क्या ये नंबर है। ठीक है, आइए इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, हमने इसको रिकग्नाइज कराना है कि ये नंबर नहीं है, पहले इसको नंबर वाली कैटेगरी से निकालेंगे, इस नंबर डिफाइन कराएं, इंटर दबाएं, फॉल्स है, उसने कह दिया कि नंबर नहीं है ये, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, देन हमने अप्लाई करना है इसके ऊपर वैल्यू कि भाई ये वैल्यू भी है, यहाँ से भी गुजारो इसको वैल्यू,
अच्छा, यहाँ से इस नंबर और वैल्यू लगाने का मकसद ये है कि आपने फार्मूला में जो एंड पे फाइनल फार्मूला लगेगा वहाँ पे इसको नॉन न्यूमेरिक डिक्लेयर करवाना है, ठीक है। उसके लिए ये दोनों फार्मूले हेल्प के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। अगर सिर्फ नॉट कर देंगे आप, अगर जो नेक्स्ट जो फार्मूला लगने जा रहा है सिर्फ वो लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इन दोनों फार्मूले का सहारा लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमने इस वैल्यू बनाया, अभी भी ये फॉल्स है। अब ये यहाँ पे ये मुस्तंद हो गया, हमें एथेंटिकेटेड हो गया कि ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये नॉन न्यूमेरिक है। लेकिन इसको नेक्स्ट फार्मूला में रिकॉग्नाइज कराने के लिए, ट्रू करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, नॉट नंबर। ये जो सारी की सारी लॉजिक बनी पड़ी है ना, इसको क्लोज कर दें। ये पूरी की पूरी नहीं है, नंबर नहीं है, इक्वल्स, ये अब ट्रू हो गया, ठीक है। इस चीज़ की समझ आ रही है आपको? दोबारा समझा देता हूँ कि हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी लेंथ मालूम की, 5 लेंथ है इसकी, लेंथ का फार्मूला लगाया। देन क्या है, इसके हमने लास्ट 4 करेक्टर्स को न्यूमेरिक डिक्लेयर कराना है। उसके लिए सबसे पहले राइट का फार्मूला लगा के आखिरी जो डिजिट्स हैं उनको निकाल लिया इसने, लेकिन अभी वो नॉन न्यूमेरिक हैं, ठीक है। उनके लिए हमने इस नंबर के फंक्शन से एथेंटिफिकेशन ली कि ये नंबर हैं या नहीं। उसने कहा कि ये नंबर हैं, लेकिन अभी आप इसको वैल्यू में लेके आओ, तब मैं अगले फार्मूले में इसको डिक्लेयर करूँगा। फिर हमने वैल्यू का फार्मूला लगाया, फिर ये पूरी की पूरी जो थी ना ये वाला फंक्शन, ये वैल्यू में बन गया। फिर इसने हमें आंसर दे दिया ट्रू, फाइन। नेक्स्ट हम आए, यहाँ पे आए, अब हमने लेना था नॉन न्यूमेरिक को लेना था, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड पे पड़ा था, लेफ्ट का फार्मूला लगाया, वहाँ से इसको उठाया, इसको हमने नंबर्स के टेस्ट से गुजारा कि भाई ये वहाँ से हमें डिग्री मिल जाए, सनद मिल जाए कि ये नंबर नहीं है, ठीक है। फिर उससे वैल्यू में हमने इसको कन्वर्ट करवाया, करवाने की कोशिश की कि यहाँ से भी हमें मिल जाए कि ये वैल्यू में नहीं है। देन इस सारे के सारे फार्मूले को उल्टा कर दिया, नॉट कर दिया, रिवर्स कर दिया हमने, नॉट शुरू में लगा दिया, उस पूरे का पूरा ये फार्मूला जो है वो उल्ट हो गया। इसने हमें डिक्लेयर कर दिया कि ये यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आप ये वाला फार्मूला ले लेना, ये वाला, इसके स्टार्ट में नॉट लगा दें और लेंथ का यहाँ पे फार्मूला लगा दें, लेंथ ये लेफ्ट साइड वाली, लेफ्ट का फार्मूला लगा दें, तो आपका ये फार्मूला एज सच ओके हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका उल्ट लेने के लिए हमने नॉट का फंक्शन लगाया। अब 3 कंडीशन तो हमारे पास पूरी हो गई हैं। 3 कंडीशन पूरी होने के बाद इन सब को मर्ज करना है। मर्ज के लिए हमारे पास फंक्शन है नॉट का, सॉरी एंड का फंक्शन है। जब भी 3 फार्मूले, दो एक से ज़्यादा फार्मूले हमने मर्ज करने हैं तो एंड का सहारा लेंगे हम, ठीक है। एंड इक्वल्स टू एंड, अब स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इनकी लॉजिक्स को हमने मर्ज करना है, ठीक है। उस लॉजिक को लेने के लिए हमें एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। इधर कॉपी करेंगे ये गलत खता एरर आ जाएगा, इधर कॉपी करेंगे फिर इधर एरर आ जाएगा, कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो इस आपका काम आसान करने के लिए यहाँ पे होम पे जाएं, क्लिप बोर्ड का बटन होगा, यहाँ पे क्लिप बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। पहले जो डिफाइन हुए उनको क्लियर कर दें, अब एक एक को सिलेक्ट करते जाएं यहाँ पे, और ये वाला हमने कॉपी कर लिया। सिर्फ कॉपी करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, इंटर का बटन दबा दें, इसका हमारा तल्ला ख़त्म, ये ज़ीरो कर दें, ठीक है। इसको कॉपी कर लें, बेशक ये कॉपी किया हमने, पेस्ट किया, पेस्ट नहीं करना, कॉपी का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंटर का बटन दबा दें, इसको भी आप ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इस पे गए हम, इस कंडीशन को हमने कॉपी किया, तीसरी कंडीशन भी आ गई, इंटर का बटन दबाया, अब इन तीनों कंडीशन को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये मैंने ख़त्म कर दिया, ज़ीरो पे आ गया, ये तीनों को हमने कॉपी किया हुआ है। यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे एंड का, टैब का बटन दबा के इन तीनों लॉजिक्स को हम बारी बारी कर देंगे कॉपी। पहले ये लॉजिक्स है, फिर सेपरेटर कॉमा, कॉमा लगाया, फिर ये इसकी लॉजिक को हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉमा लगाया, फिर इसको सिलेक्ट करना है, कॉमा अब नहीं लगाना क्योंकि अब नेक्स्ट हमारी कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं है। सिंपली यहाँ पे क्लोज कर देना ब्रैकेट, इंटर दबाएंगे,
ये सारी की सारी कंडीशन जो रूल्स हमने बनाए थे यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं। ये एक हमारे पास फाइनल फार्मूला आ गया, इसको कर दें कॉपी, इंटर दबा के इसको भी बेशक ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं आप, कर दें ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमने ये वाला रूल जो डिफाइन किया है, बनाया है बड़ी मुश्किल से, इसको हमने यहाँ पे कस्टम डाटा वैलिडेशन में अप्लाई करना है। और कस्टम डाटा वैलिडेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है, इस सेल के ऊपर या इस एरिया के ऊपर हमने अप्लाई करनी है। सपोज मैं पहले इस सेल के ऊपर अप्लाई करता हूँ, फिर नीचे पेस्ट करना सिखाऊंगा आपको। डाटा पे गया, डाटा वैलिडेशन पे गया कि मैंने यहाँ पे कस्टम डाटा वैलिडेशन पे जाना है, ये कस्टम डाटा वैलिडेशन पे चले गए और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देना है पेस्ट करके, इंटर दबा देना है। यहाँ पे पूरे के पूरे तीनों रूल्स इस एक सेल के ऊपर हजम हो गए। इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर देना है, लेकिन राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करना है। अल्ट ए एस इसकी ऑप्शन है, शॉर्टकट की है। यहाँ पे वैलिडेशन को सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब हमारे पास क्या है, इसको खत्म कर दें, बेशक इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, फारिग हो गया अब ये, ठीक है। अब क्या है कि हमने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। सपोज मैं ये करता हूँ यहाँ पे पी 1 2 3 4 5 करता हूँ, इंटर दबाता हूँ, आगे नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा कि यहाँ पे लेंथ एक तो 6 हो गई है, दूसरी लास्ट 4 करेक्टर्स जो हैं वो तो चलो ओके आ गए, ठीक है। नहीं, सिर्फ लेंथ की वजह से इसने हमें आगे नहीं जाने दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैं करता हूँ कि 1 2 3 4 5 करेक्टर रखे, लेकिन इंटर दबाऊँगा फिर भी नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, क्योंकि जो एक करेक्टर है वो नॉन न्यूमेरिक नहीं है इसमें, वो भी पहला करेक्टर, ठीक है। एक और अप्लाई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि हमारे पास एक नॉन करेक्टर भी हो जाए, सॉरी 1 P ये, ठीक है, ये ख़त्म कर दी। अब भी नहीं जाने देगा, क्यों, लेंथ तो 5 है, ओके, ये ओके हो जाएगी, लेकिन अब करेक्टर्स आखिरी 4 जो हैं वो मेरे पास नॉन न्यूमेरिक नहीं है। दूसरी क्या चीज़, पहला करेक्टर है वो नॉन न्यूमेरिक नहीं है, दो कंडीशन यहाँ पे ऑफ हो रही हैं, इसलिए हमने उसने आगे नहीं जाने दिया। सो इस तरह हम अपनी जो डाटा एंट्री है, जो टेम्पलेट है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डाटा एंट्री को हम अपने मुताबिक जो है ना वो कवर कर सकते हैं, कस्टम डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक करेक्टर, एक लेटर, 4 नंबर्स को लिया। इसी तरह आप ये सारे रूल इस तरह बना सकते हैं, अब 2 लेटर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फिक्स की यहाँ पे ऑप्शन आई हुई है, फिक्स क्या चीज़ है कि आपने यहाँ पे पीके 1 2 3 फ्लाइट नंबर है, प्रोडक्ट का नंबर है, पीके या फिर सीटी सब के ऊपर स्टार्ट में रिपीट हो, तो उसके लिए क्या आपने करना है, सिंपली आपने क्या करना है, लेंथ सपोज यहाँ पे 6 हो गई है, इक्वल का साइन दबाएंगे यहाँ पे, लेंथ इस सेल को सिलेक्ट करना है, इंटर दबाना है। मैं यहाँ पे एक कोड बना लेता हूँ के पी के 1 2 3 4 1 2 3 5, इसने लेंथ की मेजर करके दे दी हमें, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें से मांग रहा है कि आखिरी 4 न्यूमेरिक हों, ठीक है। इक्वल्स यहाँ पे हमने राइट स्टार्ट ये वाला टेक्स्ट स्टार्ट किया, इंटर, और उसके बाद हम मांग रहे हैं 4 लास्ट 4 करेक्टर जो हैं उनको हमें उठा के दे दे, इंटर दबाएंगे, ये उसने उठा के दे दिए। इनको अब हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पहले टेस्ट अप्लाई करेंगे इस नंबर का टेस्ट अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई किया, देन इंटर दबाया, उसने फॉल्स अभी शो किया है। लेकिन अब यहाँ पे भी आप कंडीशन में बना लेना इक्वल टू 6, ये अभी ट्रू हो जाएगा पहला। अब ये अभी तक फॉल्स है, इस फॉल्स को हमने ट्रू में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ये जो अंदर का जो फार्मूला है ना, ये जिसने 1 2 3 5 निकाल के दिए थे, इसको हमने वैल्यू डिक्लेयर कराना, न्यूमेरिक फॉर्म में डिक्लेयर कराना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, वैल्यू का फार्मूला लगाना है, ठीक है।
ये आपकी रिपीटिशन भी हो रही है, अगर आपने पीछे जो वाली एग्जांपल में आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पे भी समझ आ जाएगी। ठीक है, इंटर का बटन दबाएं। अब ये वैल्यू हम, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। लास्ट कंडीशन क्या है, वहाँ पे तो एक नॉन न्यूमेरिक था, हमने यहाँ पे दो नॉन न्यूमेरिक लेने हैं क्योंकि टू लेटर्स फिक्स्ड। ठीक है, इक्वल का बटन दबाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे एल ई एफ टी, लेफ्ट का फार्मूला लगाएंगे। इस सेल में लेफ्ट जो है वो सिलेक्ट किया टेक्स्ट, देन हम लिखेंगे यहाँ पे दो, दो करेक्टर हमें उठा के दे दे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर का बटन दबाएंगे। ये सिर्फ फिक अभी हमने, हमें उसने पी के उठा के दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी कंडीशन ये लगानी है, फिक्स नंबर लेना है, फिक्स डिजिट लेना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, जब भी फार्मूले में हमने टेक्स्ट लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, पी के लिखेंगे, ऐसे किया हमने। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दी, इंटर दबा दिया। ठीक है, अब ट्रू हो गया। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे ना पी के से हटके, पी एल लिख लें, ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पी के ही को उठाएगा, ये पी के को ही उठाएगा, इंटर दबाएंगे, तीनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक डिजिट और ऐड कर देता हूँ, ये फाल्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रू है अभी क्योंकि उसने आखिरी चार को नॉन न्यूमेरिक लेना है। चलिए इसको भी ट्रू फाल्स करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वाई। ठीक है, ये भी फाल्स हो गया, इसको भी फाल्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ पी को ख़त्म करके मैं यहाँ पे एल के कर देता हूँ, तीनों के तीनों फाल्स हो गए, फाइन। सो इसको ख़त्म करता हूँ और इन सब को मैं करता हूँ अप्लाई, यहाँ पे फार्मूले को मर्ज करता हूँ। उसके लिए एंड का फार्मूला लगाना है, क्लिपबोर्ड में सबसे पहले इनको कॉपी करना है। ओम पे गए, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ओपन किया, जो पहले डिफाइन थे उनको ख़त्म कर दें, देन न्यू को कॉपी करना है आपने। सिंपली इस सेल पे जाएं और इक्वल से पहले पहले इसको कॉपी करेंगे, जैसे ही कंट्रोल सी करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इंटर का बटन दबाना है, देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ये पूरी पूरी कंडीशन जो है कॉपी कर लेनी है, इक्वल का साइन कॉपी नहीं करना। ठीक है, इंटर का बटन दबा देना है। ठीक, तीसरी कंडीशन जो थी हमने अप्लाई की थी पी के वाली, इसको भी कॉपी कर लेना है, इंटर दबा के ये तीनों कॉपी होगी। अब इन तीनों की हमें ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का जो फार्मूला हमने बनाना है वो एंड फंक्शन से बनाना है। ठीक है, एंड का फंक्शन अप्लाई किया, एंड का फंक्शन अप्लाई करने के बाद लॉजिक्स जो है ना उनको कॉपी करते जाओ, सेपरेट बाय कॉमा करते जाओ। इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इंटर का बटन दबा देना है। ये फॉल्स अभी है, क्यों क्यों अभी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, अभी लिखा हुआ ना, इसलिए फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे अभी कुछ भी हमने नहीं लिखा, हम यहाँ पे लिखते हैं पी के, पहली कंडीशन 1 2 3 4, चार डिजिट्स लिखे और नॉन न्यूमेरिक न्यूमेरिक हैं, इंटर दबाया, सब के सब ट्रू हो जाएंगे, सब के सब ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, इसका इस फंक्शन को हमने कॉपी किया पूरे का पूरा, बराबर भी यहाँ इक्वल का साइन को भी हमने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, इंटर दबाएंगे। अब यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करने के बाद कस्टम डाटा वैलिडेशन पे जाना है हमने, क्योंकि टॉपिक हमारा मेन यही है। यहाँ पे इस पूरे के पूरे फार्मूले को कंट्रोल सी कर देना और इंटर दबा देना है, यहाँ पे वो वाली डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो गई है। ठीक है, इसको करना है कॉपी और जितना भी नीचे आपने अप्लाई करना है ना वहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, वहाँ पे पेस्ट कर दें, मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल में जाके हमने वैलिडेशन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। इस पूरे डाटा तक यहाँ पे मैं सपोज इसको असाइन कर देता हूँ कि ये वाला जो डाटा है ना, यहाँ पे हमारी ये वाली डाटा वैलिडेशन लगी हुई है। अब इन सब रूल्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको कर देंगे डिलीट। ठीक है, और इसको हमने तो अभी इसलिए समझाने के लिए रखा क्योंकि हमने ये हेल्पिंग फार्मूलाज थे हमारे, इसीलिए इसको हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इनको हम अप्लाई करते हैं कि हमारे जो फंक्शंस थे वो ओके हैं या नहीं, ठीक है, हमें आगे जाने देता है या नहीं जाने देता। यहाँ पे जो हमारे जो लिमिट्स थी, यहाँ पे मैं करता हूँ पी एल 1 2 3 4, नहीं आगे जाने देगा। ठीक है, क्योंकि पी के नहीं है,
इन नेक्स्ट टर्म में क्या है, पी के 1 2 3 4 5, पांच डिजिट कर दिए मैंने, नहीं जाने देगा, चार डिजिट है। ठीक है, ये हुई हमारी कस्टम डाटा वैलिडेशन, और हमने लेन राइट लेफ्ट इस नंबर वैल्यू नॉट एंड फंक्शंस को हमने आज के लेक्चर में तफसील के साथ कवर किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें अभी डाटा वैलिडेशन के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ें आपको समझा दी हैं और डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करने का मकसद भी बता दिया है। ठीक है, और जब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके लिए, उसको हासिल करने के लिए आपने बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, और हो सके तो हमें कमेंट भी कर देना है, फीडबैक देना है, जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल काम करना है आपने, हमारे टॉप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।